आओ दादू के पास आओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश, आए मेरा बेबी, आए छोटे 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 छोटे, आए मेरा बच्चा, ये इसको चप्पल ही चाहिए होती है, बस चप्पल ही चाहिए होती है इसको, पूरे संसार में हर एक चीज छोड़ के इसको सिर्फ चप्पल चाहिए होती है माँ बाप की। भाई हम आए हैं सुबह सुबह 0 डिग्री पे, जहाँ पे 99 की ऑफर लगी हुई है, और पीछे रश देख लो, रश इतनी ही नीचे तक स्टेयर्स में वेटिंग है सारी की सारी, और पवित्र फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं अपने। ये तो भाई 99 में ना ऑफर है, जो कि बहुत लिमिटेड ऑफर है। मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ एक बारी, ये ना पास्ता फ्राइज पिज्ज़ा एंड कूलर्स, बस सिर्फ यही मिलेगा 99 में, एनीथिंग इन 99 वाली ये स्कीम है, ठीक है। और पवित्र को एंजॉय करने देते हैं फ्रेंच फ्राइज। फाइनली पवित्र हो गया है, आराम कर लिया है, ये खा पी के आ गया है बाहर से, 99 रुपए में मिलता है, चलो तुम बस बैठ जाते हो लेके, ये मैं आहार गया था कल, हम एक्चुअली 99 वाला थोड़ा खाया है, पर पैसे वाला ज्यादा खाया है, दूध भाई 99 भी पैसे ही होते हैं, नहीं मतलब वो भी पैसे होते हैं, लेकिन वो स्कीम वाला बेसिकली कहने का मतलब, स्कीम वाला हमने कम खाया है। तो ये आहार किया था मैं, तो आहार वालों ने दिया ये सारा, ये पंसारी का मिला, पंसारी का है जो ऑलरेडी हम चावल घर पे यूज करते हैं, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस, बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी है। क्या क्या दिया, और एक बार दिखा दे, इनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे नए आए हैं, पंसारी का मूंग दाल हलवा मिक्स है, अरे वाह, गर्म पानी डालना सर, सर 8 to 10 पीपल रेडी इन 3 स्टेप्स 10 मिनट्स ओनली, सही है। ये क्या दिया, जलेबी, ये तो हम नहीं बना पाएंगे, इसके लिए तो वो चाहिए ऐसे ऐसे घुमाने वाला। ये क्या, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल पंसारी का, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है, मसाला, ये मेरे को किसी और ने दिया था, बाहर खड़ा हुआ था, कह रहा सर प्लीज ले लो सैंपल है, दे दो। ये भी किसी और से नहीं, नहीं सारा पंसारी बाकी, क्लासिक ग्रीन टी, अच्छा हाँ ये इन्होंने नई ग्रीन टी लॉन्च की है, अलग अलग सारी वही है, ग्रीन टी है, तो कह रहा था सर ले लो, मैं मेरे शरीर देखा आपने, लगता है आपको ग्रीन टी पीता हूँ मैं, कह रहा प्लीज ले जाओ भाभी जी के लिए ले जाओ, और ये हमारा फेवरेट राइस, जानबूझ के डाल दिए, दिस इज माय फेवरेट, हमारे घर पे भी ये ब्लैक कलर में आता है ऐसे वाला, अभी अंदर पड़ा भी होगा। ये देखो भाई, ये वाला ना राइस आप एक बार यूज करो, मैं अपने घर में यही पंसारी का यूज करता हूँ, और एकदम लंबा लंबा चावल बनता है, एकदम फाइन क्वालिटी है, सीरियसली ये है बासमती सिग्नेचर वाला, ब्लैक कलर का इसका पैक है, ये देख लो, तो मैं हमेशा इसका 5 किलो वाला मंगवाता हूँ, वो मेरे ख्याल से पड़ता है मेरे को 700 रुपये का या 800 का, ऐसे ही पड़ता हो गया। अब दूसरा दिखा, दूसरा दिखा, दो चार लोगों ने दिया था मेरे को, 2-3 लोगों ने, ये है श्री गन, हाँ ये मसालों का होगा सारा, इसके मसाले है, चिकन मसाला दिखा दे, चाट मसाला, हाँ ये है पंचम चाट मसाला, ये फ्रूट वगैरह पे डालने के काम आएगा, ये है जी इनका चिकन मसाला, अगर आप चिकन करी वगैरह बनाते हो तो उसमें डाल सकते हो, मीट मसाला, ये आ गया भाई मीट मसाला, बहुत सारे मसाले थे, बहुत सारे मसाले, ये उसने मेरे को स्पेशली बोला था कि आप ये वाला ज़रूर ट्राई करना, बिरयानी मसाला, और एक और बोला था बटर चिकन वाला है, वो दूसरे पैकेट में पड़ा होगा, ये क्या है, ओरिगेनो होगा, बिरयानी पेस्ट है कोई, अच्छा ये पता क्या है, ये करामत की है, ये करामत वाले स्टॉल में गया था, तो ये ना बिरयानी का पेस्ट है, आप कुक कर लो, घी डालो, प्याज डालो, चिकन को मैरिनेट करो इससे, और सारा चिकन डाल के ऊपर राइस डाल के कुकर सीटी में लगा दो, That's it. और आपकी बिरयानी तैयार, ये पिज्जा सीजनिंग, ये भी उनकी सीजनिंग आई है, तो ये था श्री गुण स्पाइसेस की तरफ से, हाँ और तीसरा दिखाइए, उसके अंदर, इसके अंदर होगा, इसके अंदर बिरयानी मसाला पड़ा होगा, ये देखो, ये बटर चिकन मसाला इनका, ये श्री गुण, श्री गुण का, और ये है बटर चिकन, हाँ ये दिया इन्होंने मेरे को ट्राई करने के लिए, ये दो चीज़ें दी हैं इन्होंने ट्राई करने के लिए, और कह रहे हैं कि मतलब कि बेस्ट है बेस्ट, अब ये पता है क्या है, ये ना ये इनका जो ब्रांड था, ये टोमेटो बेस्ड ही बनाता है सारी चीज़ें, तो इन्होंने दो पेस्ट दिए मेरे को, क्लासिक पिज्जा सॉस है, कह रहा है इसके अंदर आपको सिर्फ बॉइल्ड पास्ता डालना है, और आप पिज्ज़ा भी डाल लगा सकते हो, ठीक है, और कह रहे ये जो दिए इन्होंने, ये टमाटर और प्याज का जो आता ना चॉप मसाला, सब्जी बनाने के लिए, जैसे कोई आ गया और टमाटर प्याज नहीं है तो ये यूज़ कर लियो, थोड़ा सा एक करछी यूज कर लियो, हाँ स्टोर करके रखते हैं, है ना, एक करछी यूज कर लियो और कंप्लीट,
तो ये था हमारा आहार का सारा प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ नहीं है। और एक बार कुरियर आया, देखा ये किसका है, खुराना का होगा अनश्योर। सुकीर्ति तूने क्या मंगवाया, ठीक है दिखाइए खोल के, तुझे खुद नहीं पता कि तूने क्या मंगवाया। भाई भाई आती रहती है मेरी चीजें, मुझे याद नहीं है मैंने क्या मंगवाया। ये तो डॉलर बने हुए हैं इस पे, $31 हैं, $31। अरे वो बकूर पिला दे यार, मन कर रहा है पिला दे यार। चीनी में नहीं मत डालियो। ओ अच्छा देखा बकूर। नहीं अरे मैंने हिबिस्कस टी मंगवाई थी। ओ आ गई, तो चाय बोल रहे हैं तो हिबिस्कस मंगा। रुक जा क्या नाम है रजनीश, रुक जा रहने दे, हमारी चाय मत बनाइयो क्योंकि हम पियेंगे हिबिस्कस टी। यस ये बहुत बढ़िया है और सबसे बढ़िया और कैफीन फ्री है, इसके अंदर कैफीन नहीं है। इसका कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम, आप कोई भी एक्सवाईजेड ब्रांड ले सकते हो। हां कोई भी एक्सवाईजेड ब्रांड ले सकते हो। मेरे का चलो ये ट्राई करते हैं। पूरी 400 रुपए की मंगाई है, 300 कुछ की है, बड़ी महंगी है ये। सॉरी 300 क्या, अरे नहीं इस पे प्रिंट 400 300 का है, 189 समथिंग कुछ की है। फिर ठीक है भैया, मैं तो घबरा गया था क्या हो गया। 189 की है। अभी इसे बनाएगी कैसे, गर्म पानी डालना है? हां बस गर्म पानी पोर करना है, उसके अलावा ऊपर आप लेमन डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैं डालूंगा हनी, अगर थोड़ी सी अगर आपको डालनी है तो डालो। तो स्वीटनेस नहीं है मतलब? नहीं इसमें स्वीटनेस नहीं होती, जैसे ब्लैक टी टाइप नहीं होती, उसमें स्वीटनेस नहीं होती, उसके ऊपर आप लेमन डालते हो आराम से पी सकते हो, सेम वैसी है। लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है वो ब्लैक टी से फार बेटर है। बना भाई ये था मेरा आहार का। आहार जो है ना वो प्रगति मैदान में लगता है, प्रगति मैदान में लगता है, हर साल लगता है। और जितने भी ब्रांड्स होते हैं FMCG ब्रांड्स, फूड के ब्रांड्स, मशीनरी जो बनाते हैं लाइक बेकरी वालों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कोल्ड प्रेस मशीन, सारे के सारे वहाँ पे एग्जीबिशंस लगते हैं। नॉर्मल बंदा जो होता है ना, जैसे मैं हूँ नॉर्मल बंदा, आप हो, तो आप लोग भी आहार जा सकते हो देखने के लिए क्या चीज़ें। अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो और आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए तो वो सारे जगह वहाँ पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पंसारी मिला, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फॉर्चून की दुकान है, परचून की दुकान है, सामान बेचते हो, तो आप पंसारी के स्टॉल पे जाते और उसको बोलते कि हमारे को दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का या वेस्ट दिल्ली का या साउथ दिल्ली का या ईस्ट दिल्ली का अपना वो डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दो। जो शेफ्स जो अपने जो जो बेकर्स हैं उनके लिए चॉकलेट्स वाले आए हुए थे, मॉडे की चॉकलेट्स है, बाकी सब चॉकलेट्स थी, वो सब आए हुए थे, तो आप वहाँ जाओ, आप देखो कि कितना बढ़िया लगाया होता है और कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया होता है आहार। और अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो भी आपको वहाँ जाना चाहिए ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स बने और इन फ्यूचर आपको क्या पता कुछ ब्रांड प्रमोशन का काम भी मिले। इसी वजह से मैं वहाँ गया था, जो ये नेटवर्किंग का काम होता, सारा हमारा काम सारा नेटवर्किंग का है, तो इसीलिए हम लोग जाते हैं। तो अब तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि 7 मार्च से 11 मार्च था, आज 12 मार्च हो गई, तो अब तो आप ब्लॉग देख रहे हो 13 मार्च को। तो नेक्स्ट ईयर जब भी लगेगा तो मैं डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट करूँगा, आप ज़रूर जाना और मैं भी शायद आपको वहाँ पर मिल जाऊँ। तो आप ज़रा इसकी हिबिस्कस टी पीते हैं क्योंकि मैं अभी बाहर पीछे एक कैफ़े में पी के आया था 200 रुपये की, बट अब हमने घर पे मंगवा ली है और अब इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं बालकनी पे, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे नोनू क्या कर रहा है? व्हाट आर यू ईटिंग ब्रो? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाया माँ ने, वाह। और ये देख लो, ये देखो, पापा को तो बहाना चाहिए मीठा खाने का, है कि नहीं? पापा को सिर्फ बहाना चाहिए मीठा खाने का बस। और ये पवित्र के चक्कर में मेरा पोता खाए तो मैं ना खावा? हाँ सीधे हो, पहले सीधे हो, सीधे पीछे हो, सीधे होएगे ताई तो खाओगे ना। एनू ऐसे ऐवे फट लेना मैं हाथ से, ठीक है? ऐथे ऐथे एलो खाओ, बहुत गर्म है का, बहुत गर्म है का, फूक मार के यार, हे भगवान। अच्छा मैं इत्थे रख रहे, कर इत्थे रख दे पापा ने दादू पकड़ के जैसे रखी है। ओए ओ लल्लू, दादू तेरे चक्कर में इतना मीठा खा रहे हैं, तेरे को पता है शुगर दादू को? पापा ने जिस स्टाइल से कटोरी पकड़ के रखी है ना उनका जैक ये वाला, रख दे तू इत्थे, मैं चुप करके खा लूंगा। रख दे तू इत्थे, मैं चुप करके अपना खा लूंगा। धड़ा धड़ धड़ा धड़ भाई, आराम नल खाना है, किधर किधर भाग के नहीं जा रहे हलवा तेरा, आराम नल खा, कोई टेंशन नहीं है कि है। पापा और चाहिए और मिल जाएगा, लेकिन और देना भी है। और नहीं देना यार, पागल है, एक कटोरी बहुत है। हाँ, और नहीं देना। 15-20 दिन में एक बार दे दो बहुत है, शुगर है ना।
ये देखो थार ले आया है, इसकी बुआ ने थार दिया नहीं। पवित्र खड़े होके जाओ, खड़े होके आओ, चलो मम्मी पास आओ। देखो भाई ऐसा अभी खड़ा खड़ा होने, अभी चलना सीख गए। आ जा क्या बात है। ओ भाई देखो भाई, सामने वाला मकान पूरा तैयार हो चुका है, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी भी इसमें पता नहीं बहुत सारे फ्लोर्स अवेलेबल हैं, बट जहाँ तक मेरे को सुनने में आया था, मेरे ख्याल से फर्स्ट फ्लोर 7 करोड़ का बिक रहा है, और मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है इस बात में, बट रेट यहाँ पे यही है, क्योंकि ये 300 गज का है, और मेरे वाला जिनसे लाइन है ना पूरी, ये 208 गज है। सही है ये, 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 ये। पापा को ये टेबल आगे कर देना, तब फिर झुकना नहीं पड़ेगा, ये चेयर के चक्कर में ना झुकना पड़ रहा है। अच्छा फिर वो व्हील चेयर की वजह से नहीं आता। फिर मम्मी क्या खाएगी, गोलगप्पे? अच्छा फिर क्या खाएगी मम्मी? ला दे यार, रजनीश पानी ला दे यार, दो गिलास ले, बोतल और गिलास ले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हलवा रखा हुआ कटोरी में, वो भी ले आई। पापा बोल रहा था। हाँ तूने बीच में अटका दिया। ये देखो ये चूहा, ये चूहा गया, ये चूहा गया, गया गया चूहा बाहर, पकड़ लो, ठहरो मैं आ गई, गई चूहिया, गई गई चूहिया, गई बाहर, गई आगे 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 बाहर आ गई चूहिया, फिर आ गई गिलहरी। इसको मैंने नाम मैंने दिया इसको, एक्चुअली गिलहरी, इसका नाम है गिलहरी, गिलहरी गिलहरी, ये गिलहरी पवित उधर नहीं जाना। अच्छा अपने आप चल के आओ, चलो अपने आप चल के आओ, आ जाओ खड़े होके, खड़े होके आओ, खड़े होके आओ, तो बोलो स्टैंड हो जाओ। अच्छा स्टैंड करो, नहीं ये सीख जाएगा, चलो स्टैंड करो, स्टैंड हो जाओ, स्टैंड अप, आप जाओ मम्मा पास, आप जाओ मम्मा पास, जाओ जाओ जाओ। भागने लगे, भागने लगे, मजा आ गया। इस बार होली में तो इसको ना ऐसे रंग दूंगा कि 2 घंटे लगातार नहाएगा तब भी रंग नहीं हटेगा। नहीं पापा ऐसे मतलब मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मेरा पूल आ रहा है ना, मैं उसमें नहाने करूंगा। कब आएगा पूल इसका? कल आ रहा है, कल। ठीक है तो भाई ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, और मैं चलता हूँ अपना, कहीं जाना है मेरे को, इम्पोर्टेंट काम है, तो वहाँ से होके आराम से फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, और कल आपको मिलूंगा एक नए ब्लॉग में।